और पढ़ाई की बात होनी चाहिए। बिहार की राजनीति में कई ऐसे बैचलर हैं जो सबसे डिमांडेड हैं, जिसमें सबसे पहले आगे नाम आता है तेजस्वी यादव का। हालांकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी बैचलर हैं, लेकिन बात हमेशा जब होती है तो शादी करने की बात हमेशा तेजस्वी यादव से उठती है। तेजस्वी यादव की शादी कब होगी एक बार फिर चर्चा हो गई है, लेकिन चर्चा वैसी ही है जैसी हमेशा होती रही है। लेकिन इनकी माँ राबड़ी देवी ने एक पैमाना तय कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि शादी होगी तो कैसे होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान उम्र में तेजस्वी से बड़े हैं, इससे पहले उनकी शादी होगी, इसके बाद वे तेजस्वी की शादी के लिए सोचेंगी। आखिर ये कैसी शर्त है? किसी बेटे की शादी क्या तब तय होगी जब दूसरे की हो जाएगी? दरअसल तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की शादी हुई और वो काफ़ी विवादित हो गई। इसके बाद से अभी लालू प्रसाद यादव के घर में शहनाई नहीं बच पाई है। यार जानते हैं कि मामला कैसे सामने आया। बिहार विधानसभा की एक समिति की बैठक में गुरुवार को शामिल होने पहुंची थी राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा राबड़ी देवी। राबड़ी देवी से उस दौरान वहां पर मीडिया ने सवाल कर दिया कि आखिर तेजस्वी यादव की शादी कब होगी, और उन्होंने सवाल को टाल दिया। फिर बाद में कहा जो बड़े हैं पहले उन्हें सोचना चाहिए, तेजस्वी की अभी उम्र ही क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और चिराग पासवान की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा पहले वे शादी करें फिर तेजस्वी यादव की शादी होगी, यह सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए। उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की है, यही सवाल लगातार पूछा जाता है, और जवाब में राबड़ी देवी यही बात कह के निकल जाती हैं। विदित हो कि तेजस्वी यादव की शादी की चर्चा हमेशा होती रहती है। महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते तेजस्वी यादव के पास लड़कियों की शादी के प्रस्ताव की भरमार लग गई थी। उस वक्त यह मामला चर्चा में आया था। तब राबड़ी देवी ने कहा था कि बेटे की शादी के लिए उन्हें संस्कारी, सुंदर और सुशील बहू चाहिए, लेकिन अभी तेजस्वी यादव की माँ कह रही हैं कि अभी उन्हें समय चाहिए, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव की उम्र ही क्या है। तेज प्रताप यादव उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक का मुकदमा पटना के न्यायालय में लंबित है। माना जा रहा है तलाक के बाद तेज प्रताप की दूसरी शादी के लिए भी परिवार सोचेगा। हाँ, इस बाबत अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन खबर यही है कि तेजस्वी यादव की शादी के लिए राबड़ी देवी ने एक बड़ा पैमाना तय कर दिया है। दोस्तों लगातार देखते रहिए पोल टॉक ऐसे खबरों के लिए। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।